हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में आज हम मीन पढ़ेंगे और मीन के दोनों मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक चीज देख लेते हैं कि जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कितने मार्क्स का ये होता है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारा 7 मार्क्स का कवर करता है। स्टैटिस्टिक्स पूरी यूनिट 11 मार्क्स की है और 11 में से केवल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 7 मार्क्स कवर करता है, तो ये पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों आते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में मीन लेके चलूंगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो अगर हम लोग सीबीएसई का सिलेबस या किसी और दूसरी बुक्स में देखते हैं तो बहुत क्लियर नहीं है। उसमें लिख दिया है केवल ग्रुप डेटा ऑफ मीन, मोड, मीडियन एंड अवॉइड बाई मॉडल सिचुएशन। अब ये बच्चों क्लियर नहीं है, एकदम क्लियरिटी के लिए मैं आपको बताता हूं कि सिलेबस हमारा मीन का जो सिलेबस है उसमें पुराने सिलेबस में 3 मेथड थे हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड डिलीट कर दिया गया है, सीबीएसई ने हटा दिया है। अब केवल हमें दो ही तरीके से मीन निकालना है, ग्रुप डेटा का डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप्ड डेटा और एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा का मतलब किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे अगर हमें कोई डेटा दिया गया है, जैसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां पे लिख लेते हैं हम लोग नंबर ऑफ मार्क्स, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं हम लोग मार्क्स और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक नंबर जिसके आए हैं वैसे 5 स्टूडेंट हैं, 2 नंबर जिसके आए हैं वैसे 3 स्टूडेंट हैं, ऐसे करके। तो ये हमें एक इंडिविजुअल पॉइंट पर हमें डेटा दे रहा है, मतलब एक मार्क्स के 5 हैं, तो ये हमारा अनग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप डेटा का मतलब होता है कि एक इंटरवल में, एक रेंज में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए जाएं। जैसे कि अच्छा, ये जो अनग्रुप डेटा है वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो 10th क्लास में ग्रुप डेटा पढ़ना है, यानी क्लास इंटरवल यानी रेंज के बीच में। जैसे कि यहां पे हम लोग लिख लेते हैं मार्क्स और यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 0 से 10 मार्क्स के लिए 5 स्टूडेंट आए हैं, 10 से 25 मार्क्स के लिए 6 स्टूडेंट आए हैं, 10 to 26 आए हैं, 20 to 30 हमारे पास 7 स्टूडेंट है, तो ये हमें एक रेंज में स्टूडेंट दे रहा है, तो ये हमारा ग्रुप्ड डेटा होगा। तो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा में आप डिफरेंस समझ गए। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बल्कि अनग्रुप्ड डेटा डेटा प्रोवाइडेड ऑन एन इंडिविजुअल पॉइंट, ऑन एन इंडिविजुअल पॉइंट। और ग्रुप डेटा में डेटा प्रोवाइडेड इन अ रेंज, जिसे हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल्स। ठीक है, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को ये वाला पार्ट ही पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। हमारे पास 2 मेथड हैं, एक तो है हमारे पास में डायरेक्ट मेथड मेथड और एक है हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, एक्स बार, यानी इसे हम लोग मीन बोलते हैं, ये हमारे पास में मीन कहलाता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये चीज है क्या, तो पहले तो हम लोग
हमको एक्साइज की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा लेते हैं। और एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। तो ये जो एक्स आई है, ये एक्स आई हमारे पास में एक्स आई, अब एक्स आई नीचे सफिक्स में मैं इसको वैसे लिख देता हूं, लेकिन हाँ ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास में क्लास मार्क्स कहते हैं इसको, क्लास मार्क्स, इसको हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास क्या निकलेगा, एफ आई एक्स आई, यानी उसका मल्टीप्लाई करके। अब क्लास मार्क्स निकालते कैसे हैं, यहां देख लेते हैं। क्लास मार्क्स यानी एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू। तो जैसे हमारे पास में फर्स्ट के लिए क्या निकलेगा, यहां के लिए 10 प्लस 25 बाई 2, यानी कि 35 बाई 2, यानी कि 17.5। तो ये हमारे पास में आ गया 17.5। इसी तरीके से 25 और 40, 65, 65 बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5। और 40 प्लस 55, 95, 95 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 बाई 2 करेंगे तो 37.5। ठीक है। अच्छा अब इसमें खास बात भी देखिए आप, कि जो डिफरेंस इसमें होगा क्लास इंटरवल में, जैसे 10 टू 25 कितने का डिफरेंस है, 15 का, 25 टू 40 कितने का, 15 का। तो ये 15 का जो डिफरेंस चल रहा है वो हमारा इसमें भी चलेगा, वो हमारा इसमें भी चलेगा। देखो 17.5 अगर प्लस 15 करेंगे तो 32.5 आएगा, 32 प्लस 15 करेंगे तो 37.5 नहीं आएगा, 47.5 आएगा, 47.5 आएगा। अब इसी में 15 ऐड कर दो तो फिर कितना आएगा, 62.5। इसमें 15 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 77.5। इसमें 15 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 92.5। तो ये हमारे पास में इस तरीके से एक्स आई निकल आया। अब हमको एफ आई एक्स आई चाहिए, यानी कि हमको इसका और इनका मल्टीप्लाई करके हमको यहां पे लिखना है। तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 17.5 इंटू 2, तो ये आ गया 35। हम मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद 32.5 यानी 3 5 15, 3 2 6 17, 3 3 9 97.5 आ गया। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 3 2 3 3 2.5। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 30 0 3 6 2 12, 3 15 5 1 6 6 36, 37, ये इतना आ गया। 6 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 0 6 5 30 0, 3 6 7 42 और 3 45, 5 4 42, 42 और 4 46.6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 0 3 6 2 12, 12 और 3 15 5
169 54 155। ठीक है, अब यहां पे हमको सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है टोटल करना, ऐड करना। ठीक है, तो हम लोग एक कॉलम रो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहां ये जो हमारे पास में है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एफ है, एफ आई। तो सिग्मा एफ की जरूरत है, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास क्या हो गया? इसको ऐड कर दो, 3 to 5, 5 or 7, 12, 12 or 6, 18, 18 or 6, 24, 24 or 6, 30। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ऐसे इसको किनारे करना पड़ेगा। तो ऐसे यहां से उठा के हमको थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना? ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है हमको। सिग्मा, सॉरी, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आप इसको ऐड करना है। यहां पे कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगी मेरे लिए, आपके लिए नहीं। 35 + 97.5 + 332.5 + 375 + 465 + 455 + 555, ज्यादा फाइव हो गया, प्लस, ठीक है, 1860। तो ये आ गया 1860। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, यहां पे हम लोग वैल्यू रख देंगे बस। एक्स बार इज इक्वल टू, यानी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो वैल्यू रख दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1860 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये किया, 3 6 18 3 6 18 और 3 2 6, यानी कि इसका मीन आ गया 62। यही हमारे पास में आंसर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड से हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आगे बहुत दूर है तो इसको थोड़ा सा जगह कम करते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास अज्यूम मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिखा है। हम लोग जो क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन यही वाला ले रहे हैं, इसी में हम लोग करें। आंसर देखिए, मीन का किसी मेथड से भी निकाल लिए, आंसर 62 ही आना चाहिए इस क्वेश्चन का। अगर अलग लगा रहा है तो फिर गलत है, तो इसीलिए मैंने सेम क्वेश्चन में करके बताया है, क्योंकि यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन से ही समझा सकता हूँ आपको कि कैसे डी आई निकलेगा, कैसे एक्स आई निकलेगा ये। तो चलिए, हमको डी आई चाहिए। अब डी आई कैसे निकलेगा ये सबसे पहले देखना है हमको। अब देखिए, डी आई जो है वो डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ पे ए क्या चीज है? तो ए यहाँ पे है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन मेथड है, तो अज्यूम्ड मीन अज्यूम करेंगे हम लोग कोई मीन। तो अज्यूम्ड मीन, उसके बाद में एक्स आई माइनस ए करके डी आई निकलेगा, देन आफ्टर एफ आई डी आई, और एफ आई तुम्हें पता ही है। तो कैसे ए निकालेंगे, ए कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है।
ए निकालने के लिए पहले हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो एक्स आई चाहिए भी वैसे भी, तो एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, एक्स आई हो गया, फिर और बढ़ा लेते हैं, ये डी आई हो गया, फिर ये एफ आई डी आई। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं इनको, तो यहाँ पे हम एक्स आई निकालेंगे, पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्लास मार्क्स जिसे कहते हैं, यहाँ पे हम लोग डी आई निकालेंगे, और डी आई हमारा कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए से, और यहाँ पे हम लोग एफ आई डी आई निकालेंगे, ये हमारे पास एफ आई है। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया था आपको कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है वो हम लोगों ने एक्स आई निकाल रखा है, तो वो मैं नोट करता हूँ, 17.5, 32.5। तो 10 प्लस 25, 35/2 करेंगे तो 17.5। और हमने बताया था कि यहाँ पे जो यहाँ इस क्लास इंटरवल में जो भी इंटरवल चल रहा है वो इसमें ऐड करते जाओ तो मिल जाएगा, यानी कि 10, 10, 25, 15, 15 का इंटरवल है, तो 15 ऐड करते जाओ इसमें तो आपको मिलता जाएगा। 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5। 32.5 में 15 ऐड करो, 47.5। 47.5 में, 47.5 में, 47.5 में 15 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 7, 5, 12, 12, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 62.5। इसमें 15 ऐड करेंगे तो 62.5 में 5, 2, 7, 77.5, एंड इसमें 15 ऐड करेंगे 92.5। तो ये हमारे पास में एक्स आई आ गया। अब एक्स आई माइनस ए क्या है, ये जो हमारे पास एक्स आई निकला है इसमें से, सॉरी, ये जो एक्स आई निकला है इस एक्स ये जो एक्स आई है हमारे पास में, इस एक्स आई में से हमको कोई भी एक नंबर को अज्यूम करना है। कौन सा नंबर को अज्यूम करेंगे, कोई भी एक्स आई में से वो नंबर हम लोग चूज करेंगे जो सेंटर में आए। अब जैसे मान लेते हैं सेंटर में कैसे आएगा, अगर मान लेते हैं ये वाला पार्ट ना होता, मान लेते हैं ये वाला पार्ट ना तो कोई एक ना होता, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 होते तो सेंटर में कौन सा आता, सेंटर में ये आ जाता। लेकिन अब यहां पे 5 नहीं बल्कि 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है, तो 6 का मिडिल तो नहीं निकल सकता, तो 6 का मिडिल या तो हमारे पास क्या आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, 47.5 या 62.5। तो दोनों में से किसी को भी आप अज्यूम कर सकते हैं और उससे आप डी आई और अगली चीज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो ए ले रहा हूं वो ए मैं 47.5 को ले रहा हूं, ठीक है, आप 62.5 को भी करके चेक करिएगा। तो यहाँ पे ये ए ले लिया, तो मैं इसको यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास में ए है, ठीक है, ए इसको ले लिया। अब डी आई माइनस डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, हर में से आप ए माइनस करते जाइए, जैसे 17.5 में से 47.5 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -30। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -30। 32.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करिए 47.5, 32.5, 0, 5, 1, 15, तो -15 आया, ये 0 आया, फिर 62.5 में से 47.5 माइनस करेंगे तो 0, 5, 15, 15, फिर इससे करेंगे तो 30, और 92.5 में से 47.5 करेंगे तो 0, 5, 45, ये आया 45। तो ये हमारे पास में डी आई निकल आया, ठीक है। अब
अब हमको एफ आई इंटू डी आई करना है, हमको एफ आई इंटू डी आई करना है। तो एफ आई और डी आई का हम लोग करेंगे कैसे करेंगे, पहले तो ये वाला हटा दो। एफ आई और डी आई का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसका और इसका, तो मल्टीप्लाई करके लिखो 32 60 -60 15 3 45 -45, ये आ गया 0, 15 6 90, 36 180 एंड 45 6 65 30, 0 3 6 4 24 और 327, ठीक है। अब हमको सिग्मा, सिग्मा का मतलब मैंने बताया था कि ऐड करना होता है, तो एक पहले हम रो नीचे बढ़ा लेते हैं, रो 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 रो, ठीक है। तो हम लोग ने ये रो बढ़ा ली, हमको सिग्मा एफ आई चाहिए और सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ आई हमारा 30 आया था, ऐड करके देख लो 3 to 5 7 और 5 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30, और सिग्मा एफ आई डी आई इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो इसको हमने बढ़ाया तो ये आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30, ये कुछ गड़बड़ हो गया ना, इसको हम ये कुछ, हाँ अब ठीक है। तो सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई ये कितना होगा, अब इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने के लिए आप ऐड करिए, मैं कैलकुलेटर से करता हूं नहीं तो वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो -60 -45 यानी कि ये हो गया -105, अच्छा, और 90 और 180 ये कितना हो गया 270, 90 प्लस 180 टू, अरे ये क्या हो गया 90 प्लस 180 270 प्लस 270 540 में से माइनस करना है 105, तो ये आ गया 435, तो ये आ गया 435, ठीक है। तो और ए हमने क्या लिया था, तो ए हमारे पास में है 47.5, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है 435 और ये वैल्यू है 30। तो फिर से कैलकुलेटर, आप लोग को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, एग्जाम में मिलेगा ही नहीं, तो 435 डिवाइडेड बाई 30 ये आ गया 14.5, तो 47.5 प्लस 14.5 इसको अगर ऐड करके निकालते हैं हम लोग, तो ये होता है 14.5 प्लस 47.5 और ये आ गया 62। तो ये आपने देखा कि फर्स्ट वाले मेथड में भी हमारे पास में, मतलब डायरेक्ट मेथड में भी हमारे पास में 62 आया था और यहाँ पे भी 62 आ रहा है, इसका मतलब किसी भी मेथड से आप निकालेंगे मीन तो 62 ही आएगा इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारे पास में मीन निकालने का कोर कॉन्सेप्ट का वीडियो, और इस वीडियो में हम लोगों ने मीन किन दो मेथड से आपके सिलेबस में है और कैसे निकालते हैं वो सीखा। बाकी के वीडियो में हम लोग मोड और मीडियन के बारे में सीखेंगे,
क्वेश्चन के हेल्प लेके ही मैंने ये कोर कॉन्सेप्ट समझाया, इसलिए क्योंकि इसको डायरेक्ट बिना क्वेश्चन के हम लोग कोर कॉन्सेप्ट केवल फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन फॉर्मूले में एक्स आई कैसे निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें नहीं सीख पाएंगे, इसलिए ये एग्जाम्पल लेके ही मैंने बताया है। आगे के लिए आप लोग देखते रहिए ये वीडियोज और कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।